एनटीपीसी में कोयले से बिजली पैदा करने के लिए सबसे पहले कोयले को ट्रेन के जरिए प्लांट के अंदर ले जाया जाता है और उसे कन्वेयर बेल्ट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए क्रशर में भेज दिया जाता है। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों को पाउडर बनाने के लिए बॉयल मिल में भेज दिया जाता है। अब इस पाउडर को बॉयलर में डालकर आग जलाई जाती है। बॉयलर में आग लगाकर पानी को भाप बनाने के लिए गर्म किया जाता है। अब इस भाप को पाइप के रास्ते टरबाइन के ब्लेड्स पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन की शाफ्ट से जुड़ा अल्टरनेटर भी साथ में घूमने लगता है। फैराडे लॉ के हिसाब से बिजली उत्पन्न हो जाती है। इंड्यूस्ड वोल्टेज 24 kV होती है, जिसे स्टेप अप करके 220 या 400 kV में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब 220x33 kV के ग्रिड बनाकर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 33x11 kV PSS को भेज दिया जाता है। PSS से हमको 11 kV मिल जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा 440 या 220 वोल्टेज में बदल लिया जाता है। यह वही बिजली है जिसे आप अभी यूज कर रहे हो।